प्रश्न 13। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है? तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr³। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। तो इसी सूत्र पे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो r हो गया गोले की त्रिज्या। अब कह रहा है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो हम लिखेंगे ठोस गोलियों की संख्या बराबर तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 πr, r की जगह पे लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे 4/3 πx^0.1। तो पहले क्या करेंगे, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr³। देखिए r की जगह पे 1 लिख देंगे बस, और बटा में r की जगह पे क्या लिख देंगे? 0.1। तो r का घन है तो 1 का घन हो जाएगा, उसी तरह 0.1 का घन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो ठोस गोला है उसका आयतन को 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो गोली है उसका आयतन से भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा ठोस गोलियों की संख्या। तो जिसको गलाया जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, उसका आयतन को, जिसको गलाया जा रहा है उसका आयतन को ऊपर लिखेंगे, और जो नया गोली जो बनाया जाएगा 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली उसको, उसका आयतन को नीचे लिखेंगे, तो निकल जाएगा ठोस गोलियों की संख्या। तो आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। तो इसी पे हम बैठा लेंगे 4/3 πr³, आर के जगह पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 4/3 πr, आर के जगह पे 0.1 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 1 का घन क्या होगा? 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बटा देखिए 1 का घन यानी 1 × 1 × 1, इस तरह लिख सकते हैं। 1 का घन है यानी 1 × 3 है, तो 1 × 1 × 1 लिख लेंगे, 0.1 × 3 है तो लिख लेंगे 0.1 × 0.1 × 0.1, 3 बार गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 1 × 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 बटा। अब यहाँ पे दशमलव हटा लेते हैं तो 1 × 1 × 1 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 10 × 10 × 10, इस तरह लिख लेंगे। तो ये कैसे हो गया, देखिए दशमलव हटाए हैं यहाँ पे, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 पे 1 0 देंगे, नीचे है यहाँ पे, तो दशमलव हटाने के बाद ऊपर में, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 पे 1 0 देंगे दशमलव हटाने के बाद, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 पे 1 0 देंगे, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 पे 1 0 देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो देखिए ये तीनों को हम दशमलव हटा करके लिख लिए हैं 1 × 1 × 1, और क्योंकि दशमलव हटा है इसलिए नीचे दशमलव है बटा में, तो ऊपर में यानी अंश में हो जाएगा 10 × 10 × 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 पे 1 0 देंगे।
तो यहां पे हम लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 10 गुना 10 गुना 10 हो गया 1000, 1000 गुना 1 1000 होगा, यहां पे 1 गुना 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 10000। ये 1000 माफ कीजिए, 1000 को 1 से भाग देंगे तो 1000 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1000 ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। तो कह रहा है कि कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।